हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ऑनलाइन गैस बुकिंग कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आप उज्ज्वला योजना गैस या कोई भी गैस लिए हुए हैं तो आप इंडियन कंपनी का गैस है तो आप उसका बुकिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि इंडियन गैस बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट पर आप इंडियन गैस, HP गैस और भारत गैस, ये तीनों गैस का बुकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा इंडियन गैस की बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, अगर वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ आ जाइएगा। नहीं तो आप फ्रेंड्स सर्च कीजिएगा गूगल में myLPG.in, तो इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं तो यहाँ से आप डिजिटल मोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं डिजिटल मोड कर चुका हूँ। और नहीं अगर कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है डिजिटल मोड करने का, उसमें तो ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, चूँकि हमको इंडियन गैस का बुकिंग करना है। ठीक है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, इस वाला पे चलिए मैं इंडियन गैस पर बुकिंग इंडियन गैस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूँगा मैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो रहा है। देख जैसे कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ से नीचे की तरफ आना है आपको, यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला बुक योर सिलेंडर। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये SMS यानी कि क्लिक टू योर SMS के माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पे हम चलिए आज हम ऑनलाइन नहीं, इस पे हम क्लिक करके SMS पे क्लिक करके देख रहे हैं इस पे किस तरह से बुकिंग करना है। तो सिंपली हमको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं SMS के पे क्लिक करूँगा, इस पर देख रहे हैं ये ओपन हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत सारा पूरे यानी कि राज का दिया हुआ है यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से बुकिंग होता है। तो चलिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार का बुकिंग करना चाहता हूँ इंडियन गैस। तो चलिए सिंपली मुझे इस पे क्लिक कर देना है, बिहार के सामने जो नंबर है इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है फ्रेंड्स बिहार का है बुकिंग नंबर। तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो चलिए इस पर मैं सिंपली इस नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आप क्लिक होगा नहीं। ठीक है, तो इस नंबर को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करके आपको इस नंबर पे कॉल करना है फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और कॉल करके ही आप गैस बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कॉल करके ही मैं अपना गैस बुकिंग कर रहा हूँ, और दूसरे दिन मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें ऑनलाइन कैसे बुकिंग किया जाता है मैं उसमें बताऊँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका सब्सिडी नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी आता है कि नहीं आता है। तो आप इसके लिए मैं सबसे पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पे है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपका गैस का सब्सिडी आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से हो यहां से अपना राज्य चूज कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल राज्य का है, और यहाँ से चूज करके आप अपना गैस बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और यहाँ पर राजस्थान। तो मेरा बिहार का है तो मैं बिहार का नंबर ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, यानी कि लिख कर भी रख लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं उस नंबर पर कॉल करके बुकिंग करता हूं और बताता हूं कि किस तरह से कॉल करना है और किस तरह से बुकिंग करना है। ठीक है, तो सिंपली फ्रेंड्स आइए मैं यहां पे अपने मोबाइल के डायल पैड में आ गया हूं, और यहां पे मैं वो नंबर भी डायल कर दिया हूं जो नंबर मैंने वहां से कॉपी किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको नंबर डायल कर देना है और उस पर कॉल करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात याद रहे कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना है, किसी भी मोबाइल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इस नंबर से और बताता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, SMS या IVR रिफिल बुकिंग सेवा में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं और प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। यहाँ से फ्रेंड्स आपको भाषा का चूज कर लेना है। ठीक है, कृपया अपने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर का लैंडलाइन फोन नंबर STD कोड के साथ दर्ज करें। आपका इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है गुप्ता गैस। पुष्टि करने के लिए एक दबाएं, दोबारा प्रयास करने के लिए दो दबाएं, अथवा IVR से बाहर जाने के लिए कोई अन्य अंक दबाएं।
या फिर फ्रेंड्स आपको एक दबा देना है पुष्टि करने के लिए कि सही है या गलत। कृपया अपने ग्राहक संख्या यानी कंज्यूमर नंबर दर्ज करें। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना कंज्यूमर नंबर डाल देना है, मैं अपना डाल दे रहा हूँ यहाँ पे कंज्यूमर नंबर, ठीक है। आपने जो ग्राहक संख्या दर्ज की है वो है 7 0 6 7 6 7 7 5 4 1। पुष्टि करने के लिए एक दबाएं, दोबारा प्रयास करने के लिए दो दबाएं, अथवा आईवीआर से बाहर जाने के लिए कोई अन्य अंक दबाएं। जैसा कि आप ये सुन रहे हैं आप, अगर जैसे यहाँ पे आप एक दबाइएगा तो आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा, ठीक है। एक दबाने के बाद आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा और वहाँ से आपको बुकिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडियन गैस की बुकिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है।